अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमारे अभी पिजन चिक्स उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और आज हम इनको ऊपर रखेंगे। चलो एहसन। ओके और डक्स के बच्चे खुले हुए हैं। हेलो, ऊपर रखो ऊपर। इससे माशाल्लाह अच्छे तरीके से खड़ा होता है ये। दूसरा बड़ा वाला भी ऊपर रखो, दूसरा बड़ा वाला भी ऊपर रखो। क्या करेंगे ऊपर ही बच्चे तो इसके बच्चे तो बड़े मज़े से खेल रहे हैं और खाना पीना हो रहा है उनका। और जो कबूतर के बच्चे हैं वो ऊपर ही अभी तक खड़े हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं उनका। इनकी मामा भी आ गई, तीनों सेम सेम। फैशन से पकड़ा ही नहीं जा रहा था अभी। ऐसा एक और मुश्किल चैलेंज। भैया छोड़ दो, ऊपर चलो। हाँ जी, कैसे आप? कैसे से? चारों भाई आ गए। अच्छा, ये उड़ने की तैयार हो गए ना? हाँ जी। तो दोस्तों ये देखिए, आज हमारे पिजन्स जो है ना सभी बाहर निकाले हैं। हमारे जो पिजन्स के चिक्स हैं ना वो भी उड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये फ्लाइंग करने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कब से उड़ना शुरू करेंगे। अभी असल में जगह थोड़ी है ना, और ये देखें ये हमारा सहन, ये ऊपर ऊपर का एरिया। तो यहाँ से भी ये छोटे छोटे बच्चे ना जब ये उड़ना शुरू करेंगे तो खुद ही इनको पहचान होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी तो है बेचारे पहली दफ़ा निकाल के ऊपर बैठे हैं। ये देखें इनको बिठाया। तो हसन, ये डक्स हैं और इनके साथ वो आज उनको भी कौन है? हाँ जी, वो वैसे मारेंगे 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 वो ना। तो दोस्तों अभी हम इनको वो इनका खाना देते हैं और जो डक्स हैं उनको भी खाना देते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे चिक्स की तरफ, जो हमारे मुर्गी मुर्गे हैं उनकी तरफ बाद में जाएंगे। लेकिन हम पहले इनको खाना दे लें, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो ये भी खाना खाते हैं, अभी खुद से भी फीड करते हैं और इनके माँ बाप इनको फीड करवाते हैं। तो इनका खाना ये रहा। पहले हम खाना देते हैं डक्स को। और इनका खाना प्लेट में रखा था। ये दोस्तों इनका खाना। अब ये खाना शुरू कर देंगे ना। नहीं जी, मेल पिजन तो खाना शुरू कर दिया। ये नीचे डक्स अपना खाना खा रही हैं। अभी डक्स क्यों खाली, हम वो फीड दे रहे हैं और साथ में घर में वो ऑनियन और करेंडियर वगैरह, इसके अलावा जिंजर गार्लिक जो भी चीज़ होती है ये खा लेते हैं। ये देसी ही है, इनके खाने की इतनी टेंशन नहीं होती। बस ये देखें, ये बड़े वाला बच्चा और छोटे वाला बच्चा वो भी दोनों साथ माशाल्लाह से फीड कर रहे हैं। देखो उनको क्या हुआ, शोर क्यों मचा रहे हैं? मुर्गा मुर्गी को मार रहा है। बाहर उसको पैक में रखता हूं। ये क्यों मार रहा है इसको? ये फाइट करता है ना मुर्गी के साथ। तो इंसान बन, मार क्यों रहा है इसको? मतलब फाइट। अच्छा यार एक काम करो, अच्छा अभी काम करो, अपना वो
खाना लेके आओ इनका, वहाँ पे प्लेट में पड़ा हुआ था किचन में, वो लेके आओ। कौन? अच्छा तो दोस्तों अब साथ में हमारे हैंस का खाने का टाइम है, अभी उनको खाना देते हैं। ऐसे उनको खोलो, पिजन हमारे खाना खा रहे हैं और जो डक्स हैं उनको हमने बंद कर दिया। देखा मैंने भी। बेटा दिन में पत्नी कितनी जाती हैं? काफी जाती हैं दिन में। वो बेटा जो कबूतर बाज होते हैं ना, कबूतर बाजी करने वाले वो होते हैं। इनको भी भूख लगी हुई थी, काफी मजे सब खाना खा रहे हैं ये। खालो 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 भूखर। ये पिजन्स लगे हुए खाना खाने बड़े मजे से। तो हसन अब इनके बारे में क्या करना चाहिए यार, वो कि नया पेट लेके आए, कोई एनिमल को लेके आए। लवबर्ड। लवबर्ड लेकिन उसके लिए यार मास्टर केज हमको यहाँ पे कहीं पे ना डिसाइड करना पड़ेगा। वो कमरा जो है वो समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज़्यादा बड़ा है। लेकिन ये कि लवबर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। लेकिन हमको उसके लिए पहले चाहिए ना यार वो मास्टर केज चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे कहीं पे मास्टर केज की जगह पहले डिसाइड करें। दोस्तों आप हमें जो बताएं कि हम अब अपने लिए कौन सा नया पेट लेके आए, एनिमल लेके आए, बर्ड लेके आए। क्योंकि ऐसे जो वो कह रहे हैं कि हमको कोई और जो ना पेट ला के दें, लेकिन हमारे पास जगह नहीं भी बन पा रही। अगर हमारे पास जगह बनती है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जगह नहीं बन रही। ये देखें ना, अभी इनको रखने के लिए इतनी सी जगह दी थी, इतनी सी जगह पर हम कैसे रखें। तो हमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम इस टाइम पर क्या करें। तो जैसे ही इंशाल्लाह अगर माइंड क्लिक करता है, किसी भी जगह को सिलेक्ट करता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कौन सा पेट रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कहें कि बिल्ली ले आओ, कुत्ता ले आओ, बकरी गाय ले आओ, तो वो हम यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे। ये तो जगह नहीं ना, और ये छत पे भी जाने का रास्ता नहीं है। अगर छत पे जाने का रास्ता हो तो मैं ऊपर जा कर सारा सेटअप जो कम्प्लीट कर लूँ। तो अभी देखें कि कौन सी जगह पर हम नया पेट ला कर रखेंगे। ये जी हमारे जो एहसन साहब हैं, इन्होंने इनके नाम डिसाइड करके रखे हुए हैं। एहसन बताओ किसका क्या नाम है? बाबा मुर्गी का नाम है लैला और मुर्गी का नाम है मजनू, और जो कबूतरी हमारी इसका नाम है दादी, जो कबूतर उसका नाम राजा, और इन दोनों का चिंटू पिंटू। जो हमारे डक्स है वो सबसे बड़ा वाला ब्लैक वाला है, उसका नाम है ब्लैक, और जो येलो वाला है उसका नाम है वाइट, ब्लैक वाइट। अच्छा ब्लैक वाइट, चिंटू पिंटू, राजा रानी, राजा रानी, ग्रे एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्राउन। किसका नाम कह रहे हो आप? कबूतर और कबूतर। ग्रे एंड ब्राउन। चलो ये बेटा बाबू खुद डिसाइड करो, या अपने व्यूअर्स या इनसे पूछो कि क्या नाम होना चाहिए इनका। इनके नाम के बारे में आप कमेंट्स इनसे मांगो, अगर कमेंट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो। ग्रे एंड व्हाइट। अब ये तो पब्लिक बताएगी ना, आपने थोड़ी बताना है। राजा रानी ओल्ड नेम है। तो बेटा हाँ, राजा रानी ओल्ड नेम्स हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तो है ना। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर नेम्स हैं, ये सभी फेमस नेम्स हैं सब, जो आप कह रहे हो कि ओल्ड हैं। अब ये जो मुर्गी मुर्गे, ये मुर्गा मुर्गी हैं, ये पिजन्स हैं, ये भी तो काफ़ी ओल्ड नस्लें चलती आ रही इनकी, काफ़ी ओल्ड ब्रीड है ये। तो आप क्या कहें कि इनको रखना बंद कर दें? ऐसा नहीं होता। क्यों जी काका जी, आप बताओ क्या नाम होना चाहिए, गुड़िया बताएगी। आप नाम बताओ, इनका नाम क्या होना चाहिए? राजा रानी। छोटे भैया कह रहे हैं कि वो जो पिजन्स हैं उनका नाम राजा रानी होना चाहिए, इनका नाम लैला और मजनू। अब आप बताओ, लैला मजनू, ठीक है। अच्छा जो छोटे भैया ने कह दी वही है। ले जी दोस्तों, जो ऐसे ने कह दिया, गुड़िया ने भी वही कहा। अब हम हसन की वोटिंग करते हैं कि हसन को कौन सा नाम समझ में आएगा और इसके साथ कौन है।
अब ये हसन जो है ना ये डिसाइड करेगा अपने आप में, फिर हम इसकी पर्चियाँ निकालेंगे। ऐसा करेंगे हम पर्चियाँ निकालेंगे, उनके ऊपर लिखेंगे जो जो जिसका जिसका नाम आएगा हम पूरा लिखेंगे। हाँ जी ठीक है, मंजूर आपको? ठीक है हसन, अभी हो गया। ठीक है गुड़िया, सब कुछ अभी होगा, ठीक हो गया। अच्छा तो हसन इनका ना बेटा जाके ना पानी चेंज करो, डक्स के लिए काफ़ी गंदा हो गया, कबूतरों का भी पानी। और ऐसा ना आप उनका मुर्गी मुर्गे का वो निकाल के लेके आओ बर्तन पानी वाला, उसमें पानी ला के डालो ताकि ये पानी भी पिए साथ में। ये देखिए दोस्तों हमारे पिजन्स माशाल्लाह से, लेकिन डरते बहुत ज़्यादा है। ये देखिए डरते बहुत ज़्यादा है, ये प्यार है, ये इनके बच्चे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, माँ बाप की और डर के भाग रहे हैं। बेटा धोने वाला ना, इसको धोना पड़ेगा, फिर इसको धो के लेके आओ साफ करके अच्छी तरह से, इसमें पानी भी डाल के लेके आना। लेकिन बेटा उनकी फितरत अब क्या करे, कुदरती है। जी देखिए पूरे का पूरा कुंभा पीजन्स का। ऐसे इनका पानी यहाँ पर रखो, वो दीवार के पास यहाँ पर। देखो उनको कैसे प्यास लगी हुई यार, इनको देख लिया करो ऐसे साहब, इनको देखो कि इनको टाइम से खाना पीना दिया करो, ये दवा भी देते हैं। मुर्गे को कितनी प्यास लग रही है वो देखो यार। ले आओ जी हसन साहब, आराम सीधा रखो ना, टेढ़ा क्यों कर रहे हो आप इसको, सीधा रखो। अभी इसमें पानी जाके वहाँ से और लेके आओ, वहाँ से पानी लेके इसमें और डालो, क्योंकि बहुत कम पानी है इसमें। नहीं पकड़ के करना पड़ेगा मुझे, जो बीमार करके छोड़ना पड़ेगा आपको। तो कैसे अंदर घुसने, चलो भाई अंदर। कबूतरी इनसे भाग गई है, कबूतर भी आ गया। ये देखें दोस्तों हमारे ये बॉडी वाला फैंसी, और ये देखें ये भी माशाल्लाह से बड़े हो गए। ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो, खोलो से, तंग करोगे भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसे तो यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड, इंशाल्लाह आपसे ज़्यादा चाहते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब डक्स को भी फॉलो करें।